हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। क्या हाल चाल सबके? भाई बहुत प्यारी वीडियो लेके आया हूँ। तुम लोग 90% लोग जो मेरे इस कंटेंट से आते हैं, क्या बोलते हैं, यूके मास्टर्स वगैरह के कंटेंट से आते हो, तुम्हारे लिए एक परफेक्ट वीडियो मैं लेके आया हूँ। उस वीडियो में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि तुम लोगों को क्या क्या लेके आना है। तो मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है प्यारी सी एक्सेल पे, इसी चीज़ को प्रिंट कर लेना। प्रिंट करने के बाद रखा है या नहीं उसके सामने टिक कर लेना, ठीक है। ये चीज़ में मैं और भी चीज़ें ऐड करूँगा जो आपको लेके आनी है, अगर मेरे को कुछ याद आता है, क्योंकि जनरली मेरी मम्मी ही मेरी पैकिंग देखती थी। तो मेरी मॉम जब ये वीडियो देखेंगी, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी एसेंशियल थिंग्स टू गेट, उसमें उन्होंने मेरे को 400 चीज़ें ऐड करवाई, अब वो इसमें भी करवाएंगी मुझे पता है। तो मैं तुम लोग के लिए वो चीज़ें ऐड करता रहूँगा, टेंशन वाली बात नहीं है। बट मैंने 90% बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो आपको लेके आना है पासपोर्ट स्टूडेंट वीज़ा के साथ, ऑब्वियसली वो वीज़ा के साथ होगा, ऑफ़र लेटर यूनिवर्सिटी से, तुम्हारा कैश लेटर, तुम्हारे एकोमोडेशन डिटेल्स, तुम्हारे एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, 11th, 10th और 12th का सर्टिफिकेट, तुम्हारे कॉलेज की ट्रांसक्रिप्ट्स, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे को लेके आनी है तुम्हारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, बैंक वगैरह का सारा कुछ, तुम्हारी ट्रैवल इंश्योरेंस, तुम्हारे मेडिकल रिकॉर्ड्स, मतलब जो तुम्हारा टीबी टेस्ट होता है इंडिया से आ रहे हो तो उसका कॉपी लेके आना। मैं कुछ लगता है कहीं से भी आओ तो होता ही होगा टीबी टेस्ट, पर इंडिया का बता रहा हूँ। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के ले आना। आगे चलते हैं क्लोथिंग के ऊपर। तो भाई वॉर्म क्लोथिंग ज़्यादा मत लेके आना, क्योंकि पॉइंट ये होता है कि यहाँ के कपड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं, और तुम यहाँ आओगे ना तो 4-5 महीने बाद तुम्हारा लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज हो जाएगा, और यू विल रियलाइज़ कि तुम डिफरेंट ब्रांड्स पहन रहे हो वहाँ से कंपैरेटिवली। तो लिमिटेड कपड़े लेके आओ और यहाँ शॉपिंग कर लो। मैं यही करता अगर मेरे पास ऑप्शन होती, जब मैं आया था मैंने यही किया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर तुम लोगों को एक जैकेट चाहिए जो तुम्हारे को विंटर्स में काम आए, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता इंडिया की तरह कि एक बंदा 5-5 जैकेट्स खरीद रहा है या 10-10 जैकेट्स खरीद रहा है। लोग क्या करते हैं, पैंटलून्स, मैक्स, जूडियो, और कहाँ जाते हो तुम लोग, लाइफस्टाइल, मतलब ये सारी चीज़ें जहाँ हम जाते थे ऑब्वियसली व्हेन आई वाज इन इंडिया। तो मैं देखता था कि लोग यही करते कि यू नो 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 की जैकेट्स ले लेते थे, एंड देन वो 5-6 जैकेट्स लेते थे। यहाँ पे ये नहीं होता भाई, यहाँ पे लोग क्या करते हैं 120, 150, 170 pounds, 200 pounds की एक सुपर ड्राई की जैकेट लेते हैं और वो ही यूज़ करते हैं एज अ कोट एवरी डे। तो वही ऑफिस पहन के जाते हैं, मतलब जनरली यूनी पहन के जाते हैं। मतलब मेरे पास 3-4 जैकेट्स है विंटर की जो मैं रिपीटेटिवली यूज़ करता हूँ। उसके अंदर हुडीज़ मेरी चेंज होती रहती है, मेरे स्वेटशर्ट्स चेंज होते रहते हैं। तो मोटी जैकेट्स वगैरह ज़्यादा मत लेके आना, हुडीज़ ले आना भरपूर, छोटी मोटी जैकेट्स, तुम्हारा कोई ब्लेज़र वगैरह है, फॉर्मल्स, फॉर्मल वेयर ले आना, विंटर एक्सेसरीज, ग्लव्स वगैरह ला सकते हो, स्कार्फ्स ले आ सकते हो, हैट्स लेके आ सकते हो, फॉर्मल वेयर तो मैंने बोल दिया, कैजुअल वेयर, जीन्स, टी शर्ट्स और कैजुअल शर्ट्स, फुटवेयर, मैं थोड़ा फ़ैन हूँ फुटवेयर का तो मैं ज़्यादा लेके आया था, तुम्हारे को जो कंफर्ट वाइज बढ़िया लगता है वो लेके आ सकते हो। ट्रेडिशनल अटायर्स लेके आ सकते हो, यहाँ पे थोड़े बहुत इवेंट्स होते हैं जहाँ पे तुम ट्रेडिशनल अटायर पहन सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे। क्लोथिंग पे मैं ज़्यादा वो फोकस नहीं कर रही, क्योंकि क्लोथिंग सबकी अपनी पर्सनल होती है। इतना मैंने बता दें कि यहाँ आ रहे हो ना तो मोटी जैकेटें मत लेके आना, यहीं आके जैकेट्स परचेज करो, वो ज़्यादा बेटर। इलेक्ट्रॉनिक्स में लैपटॉप विद अ चार्जर, मोबाइल फ़ोन विद अ चार्जर, पावर अडैप्टर्स, कन्वर्टर, अगर तुम्हारा, मैंने बहुत देखा है भाई, अगर तुम्हारा इंडिया वाला प्लग है, मैं तुम्हारे को बताता हूँ, अगर तुम्हारा ऐसा कोई प्लग है, ठीक है, तो तुम्हारे को एक कन्वर्टर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यूके में चलते हैं ये वाले प्लग, तुम्हारे को दिखाता हूँ। ऑब्वियसली तुम लोग को वैसे तो पता ही होगा, बट देन ये वाले प्लग चलते हैं पतली पिन वाले, तो ये नहीं चलेगा, तो यू विल हैव टू गेट कन्वर्टर्स फॉर इट, ठीक है जी। उसके बाद एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या यूएसबी ड्राइव लेके आ जाना, एक पेन ड्राइव या एक हार्ड डिस्क रख लेना, क्योंकि जब तुम यहाँ आओगे तो तुम्हारा जो डेटा होगा वो तुम वहाँ स्टोर कर सकते हो। हेडफोन्स वगैरह, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह गैजेट्स क्या चाहिए होते हैं, तो इसलिए इस पर भी ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। बट ये है लैपटॉप, मोबाइल, चार्जर्स, पावर अडैप्टर्स, एक पावर बैंक, ईयरफोन्स, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव एंड हेडफोन्स।
किचन एसेंशियल्स भाई, बेसिक यूटेंसिल्स जो होते हैं तुम्हारे प्लेट्स, तुम्हारे बोल्स, क्योंकि ऑब्वियसली यार स्टूडेंट अकोमोडेशन में वो लोग कहते तो हैं कि सारा कुछ मिलता है, बट आई वुड से अपने लेके आओ अपनी कटलरी, अपने कप, अपना बोल, अपना, जैसे मैं थोड़ा पिकी हूँ अपने कप्स पे, तो मैं ऑब्वियसली घर रहता हूँ, मेरा अलग सीन है, बट मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरा कप, मेरे को कॉफ़ी पीने की आदत है तो मेरे को अपना कप अपना ही पसंद है। तो ठीक है, एक प्रेशर कुकर ले आना, स्पाइसेस, मसाले, मैगी मसाला एंड रेडी टू ईट थिंग्स लाइक मैगी थोड़े बहुत ले आना, स्नैक्स वगैरह जो तुम्हारे को नमकीन वगैरह पसंद है, ये सारी चीज़ें सब मिलता है यहाँ पे, लेकिन महंगा मिलेगा तुम लोगों को। और जब तुम इनिशियली आते हो ना तो वो ट्रांजिशन करने में टाइम लग जाता है, तुम्हारे को अप्रोक्सीमेटली 4 से 6 महीने लगेंगे वो पाउंड टू कन्वर्जन छोड़ने में, क्योंकि जब तुम आओगे ना यहाँ ताज़े तो तुम पाउंड में कन्वर्ट करके चीज़ें खरीद रहे हो कि यार ये तो 150 रुपये का है, हमारे को मैगी वहाँ पे 30 की मिल जाती है, यहाँ पे 150 की मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना कि थोड़ा सा देख के चीज़ें लेके आओ। पर्सनल केयर में ऑब्वियसली और टॉयलेटरीज, जैसे तुम्हारा टूथब्रश, टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, कंडीशनर, अगर क्योंकि कोई मेडिकेटेड यूज़ करते हो तो लेके आओ वहाँ से एटलीस्ट 3-4 महीने का, ताकि तुम बिफोर यू फाइंड सम प्लेस जो यहाँ पे सेल करती हो वही सेम ब्रांड तुम्हारे पास हो, तुम्हारी शेविंग किट्स, तुम्हारे ट्रिमर्स, तुम्हारे शेवर्स, तुम्हारे टॉवल्स, वॉश क्लॉथ्स, पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स और बेसिक फर्स्ट एड किट, ये सारा पर्सनल केयर का सामान है, ठीक है। मैंने ना बहुत प्यार से ये एक एक लिस्ट को डिवाइड किया है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इस लिस्ट को बस तुम्हारे को प्रिंट करवाना है और आगे टिक मारना है कि तुमने रख दिया या नहीं। आगे चलते हैं मिसलेनियस में। यार बैकपैक, ऑब्वियसली एक बढ़िया सा बैकपैक लेके आना, मेरे को बैकपैक के भी बहुत शौक है, तो मैंने अच्छे खासे अमाउंट ऑफ बैकपैक भी रखे हैं। अगर तुम कैप्स पहनते हो तो कैप्स लेके आना, स्टेशनरी, नोटबुक, पेन, हाइलाइटर्स, अम्ब्रेला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेडशीट्स, पिलो कवर्स, लॉन्ड्री बैग, डिटर्जेंट, ठीक है, तुम्हारे लगेज के लिए लॉक्स और थोड़ा बहुत कैश पाउंड्स में लेके आना। समर स्कूल के बच्चे आए थे अभी इंडिया से हमारे यूनिवर्सिटी में, और उनको ये चीज़ बोली गई थी कि भाई तुम लोगों को कैश लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कैश यूज़ नहीं होता, और बहुत जगह पे उनका फॉरेक्स कार्ड नहीं चल रहा था, तो कैश लेके आना, यहाँ चल जाता है कैश, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। बहुत कम ऐसे जगहें हैं, कुछ बेकरीज हैं, जैसे क्या नाम था, कुछ स्पेसिफिक बेकरी है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, वहाँ पे नहीं चलता कार्ड कैश, तो बहुत लिमिटेड दुकान है जहाँ कैश नहीं चलता, बाकी हर जगह चल जाता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा डेबिट कार्ड, जो भी इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, तुम्हारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स तुम्हारे पास ढंग से सेव होनी चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा फाइनेंशियल में आ जाता है। और इसके अलावा आई डोंट थिंक फाइनेंशियल में तुम्हारे को और कुछ चाहिए, तुम्हारे कार्ड, कैश और उसके अलावा। अच्छा जी, उसके बाद आपका आ जाता है हेल्थ एंड सेफ्टी में, हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क, तुम्हारी कुछ प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है तो वो, ये कुछ चीज़ें जो तुम लोगों को लेके आनी है। इसके अलावा कुछ मेरे को याद आता है तो मैं तुम लोगों को ये चीज़ बता दूंगा, और मैं एज इट इज़ तुम लोगों को वो चीज़ गूगल शीट पे ऐड कर दूंगा, ये मैं गूगल शीट में डाल के दे रहा हूँ तुम लोगों को, और इसी गूगल शीट को तुम लोग फॉलो कर लेना एंड बस उसको प्रिंट कर लेना, ठीक है। और आई होप तुम लोगों को ये वीडियो हेल्प करेगी यार, क्योंकि मैंने कोशिश करा है कि मैं, मेरे को अगर ये लिस्ट पहले मिल गई होती तो मैं बहुत सारा सामान लेके आता है ना, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें छोड़ के आया था, तो वो मैंने बाद में मंगवा ली। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, स्पेक्स, जैसे तुम देख रहे हो पिछले कुछ वीडियो में मैं स्पेक्स नहीं पहन रहा था, क्योंकि भाई यहाँ पे स्पेक्स बहुत एक्सपेंसिव है, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। सो आई बॉट दिस फ्रॉम इंडिया, ठीक है, दिस इज़ अ फॉसिल का ग्लास, स्पेक्स लिए मैंने 2 फॉसिल के, और ये मेरे को 2 फॉसिल के स्पेक्स पड़े 10,400 रुपये के इंडिया से। यहाँ पे तुम्हारा एक सेट ऑफ स्पेक्स पड़ता है 170-180 pounds का, मतलब 18,000 से 19,000 रुपये तक का पड़ता है एक चश्मा। तो अगर तुम चश्मा पहनने वाले बंदे हो तो एटलीस्ट 2 चश्मे बनवा के लाओ अपने सेफ्टी वाइज। मैंने एक ये बनवाया हुआ है और एक ये बनवाया हुआ है, तो मैं 2 अपने पास मैंने मंगवा लिए थे, क्योंकि मेरा भाई आया है तो मैंने उसको बोला था फिर लेता आई हो, क्योंकि यहाँ पे आई टेस्ट भी लेंस कार्ड की तरह फ्री नहीं होता, उसके भी 25 pounds है, तो 2500 रुपये तुम लेंस वो दोगे आई टेस्ट के, फिर 180 pounds दोगे चश्मे के, तो 21,000 रुपये का खर्चा है एक चश्मा बनवाने का। और मेरे को वहाँ पे विद प्रीमियम लेंसेज ऑफ लेंस कार्ड, मतलब इससे बेटर लेंसेज लेंस कार्ड में होते नहीं, उनके साथ मेरे को 10,400 में 2 चश्मे पड़े। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को मैं, इस लिस्ट को अभी के अभी ऐड कर रहा हूँ, गूगल शीट्स पे जाके देख लेना भाई, सब्सक्राइब करो,
बस चुटकियों में हम 6000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले हैं। 6000 सब्सक्राइबर के बाद अगला गोल है 10000 सब्सक्राइबर, बट वीडियोस ऐसी ही आते रहती बोलो ऐसी आती रहेगी। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, प्यार दिखा देना थोड़ा सा लाइक वाइक करके, कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो है कल। बाय बाय।